क्या चांसेस है कि इंडिया किंग्स कप जीत सकती है? व्हाट आर द चांसेस? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो आपको पता है क्या करना है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल एंड यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोज रोज मिलती रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। कल एशियन फुटबॉल ने अपनी चार टीम्स फाइनल कर दी, जो कि किंग्स कप 49th एडिशन ऑफ किंग्स कप में पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि ऑफ कोर्स होगा थाईलैंड में। एंड अगर हम इसको डिस्कस करें, अभी बहुत टाइम पड़ा है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सितंबर में होना है किंग्स कप, एंड उससे पहले अभी हमारे को इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेलना है, सैफ चैम्पियनशिप खेलनी है हमारे को, मर्डेका कप उसके बाद होगा। तो बहुत ही एक जैम पैक जो सीज़न ये होने वाला है इंडियन फुटबॉल के लिए, इसमें काफ़ी हमारे को स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। बट किंग्स कप में अच्छी टीम्स हमारे को देखने को मिलेंगी, इंडिया के साथ साथ हमारे को थाईलैंड देखने को मिलेगी, जो कि ऑफकोर्स होस्ट है, UAE देखने को मिलेगी एंड लेबनान देखने को मिलेगी। बट अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, एक एक टीम के ऊपर एनालाइज करना शुरू करें, तो अगर हम सबसे पहले UAE से शुरुआत करें, तो UAE इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अगर देखा जाए तो चारों टीम्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग UAE है। अगर आप उनकी रैंकिंग देखो तो 70th रैंकिंग पे आती है UAE की टीम। एंड लास्ट टाइम जब इगोर स्टीमैच की इंडिया वर्सेस UAE हुआ था, तो एक फ्रेंडली था, बट 6-0 की हमारे को शिकस्त दी थी UAE ने। एंड UAE मिडल ईस्टर्न की पावर हाउस भी मानी जाती है, अलॉन्ग विद यस कतर, सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो दैट। बट अगर मैं बात करूँ UAE की, तो बहुत ही उनके अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत ही रिनोन क्लब्स से खेलते हैं वो, शारजा FC, अल एन, अल हिलाल, अल एलाई के क्लब से खेलते हैं उनके प्लेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कंपटीशन जो UAE की लीग्स में है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर के दर्जे का है। बट इंडिया वर्सेज UAE हमेशा ही टफ होता है। अगर आप देखो तो एशियन कप में भी, जो हमने पिछले एडिशन में फेस करा था UAE को, उसमें भी हमारे को हार झेलने को मिली थी। एंड UAE अगेंस्ट इंडिया बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फिक्स्चर है इंडियन परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो। बट यस, अगर आप एक 70th पोजीशन की UAE के अगेंस्ट एक ड्रॉ या कुछ करके विन दर्ज कर लेते हो, तो आपका नाम हिस्ट्री बुक्स में जरूर दर्ज हो जाएगा। तो वी विल सी कि UAE और इंडिया का मैच कैसे जाता है। एंड अगर मैं अपनी सेकेंड टीम के बात करूँ, तो वो है लेबनान। अब लेबनान वर्सेज इंडिया के अगर मैं मैच की बात करूँ यार, तो इसकी हिस्ट्री अगर आप निकालोगे तो बहुत साल पहले इसका आखिरी मैच हुआ था लेबनान वर्सेस इंडिया का, 2009 में। सो ऑलमोस्ट 14-15 साल हो चुके हैं हमने जब लास्ट फेस करा था लेबनान को। वो वाली इंडियन टीम भी बिल्कुल अलग थी, सुनील छेत्री सर नहीं थे तब, भाईचुंग भूटिया सर की वो पुरानी वाली टीम थी हमारी इंडिया की, एंड लेबनान के भी जो प्लेयर्स थे वो पुराने थे। तो इट्स अ फ्रेश मीटअप बिटवीन दीज टू टीम्स। अगर मैं लेबनान की रैंकिंग की बात करूं, तो 96th रैंकिंग पे आती है, इंडिया के हिसाब से एक फेवरेबल टीम है ये, क्योंकि अगर आप रैंकिंग वाइज देखो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया एंड लेबनान में। बट यस, लेबनान क्योंकि मिडल ईस्टर्न एक कंट्री है, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्योंकि एक्सपोजर इतना मिलता है मिडल ईस्टर्न लीग्स में खेलने का, एंड जो क्वालिटीज़ है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की लीग्स में वो भी कमेंडेबल है, एंड इसीलिए लेबनान को मैं थोड़ा सा ऊपर आकूँगा इसमें इंडिया वर्सेस लेबनान के फिक्स्चर में। बट यस, इगोर स्टीमैच को अब पता है कि उनके कौन से लड़के हैं 25 जो हो सकता है एशिया कप में भी हमारे को दिखे। अब काफ़ी क्लैरिटी हमारे को मिल रही है इंडियन टीम की भी अगर मैं बात करूँ तो, कि कौन से प्लेयर्स हमारे एशिया कप में हमारे को देखने को मिल सकते हैं। कुछ प्रीटी ऑब्वियस चॉइसेस भी हमारे को देखने को मिलेंगी वहाँ पे, जो कि पूरा साल हमारे मर्डेका कप में, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में, सैफ चैम्पियनशिप में, किंग्स कप में भी देखने को कुछ पर्टिकुलर फेसेस हमारे को देखने को मिलेंगे हर मैच में फ्रॉम इगोर स्टीमैच। बट यस, लेबनान इज़ अ प्रीटी मच गुड टीम। अगर मैं अपनी तीसरी टीम की बात करूँ, थाईलैंड, जो कि एक होस्ट नेशन की तरह वहाँ पर खेलेगी, एंड हमने पिछले एडिशन में भी किंग्स कप के थाईलैंड को ही हराया था, सिर्फ कुरासाओ से तो हम हार ही गए थे, एंड थाईलैंड को हमने AFC एशिया कप में भी हराया था। ऑल दो अगर हम थाईलैंड की रैंकिंग की बात करें तो 111, बट थाईलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो जे लीग में भी खेलते हैं, एंड थाईलैंड प्रो लीग जो है उसमें भी खेलते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी आपको पता ही है कि कितनी बढ़िया होती है जे लीग की, जो जापान की टॉप लीग मानी जाती है एंड वन ऑफ द बेस्ट लीग्स है वो एशिया में।
तो थाईलैंड की रैंकिंग जरूर कम है इंडिया से, सॉरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो 100 से भी कम में आ गई है, एंड 111 पे है थाईलैंड। तो काफ़ी डिफरेंस लगेगा हमारे ऑडियंस को कि यार रैंकिंग तो बहुत अच्छी है इंडिया की, थाईलैंड से काफ़ी कंफर्टेबल जीतना चाहिए, बट नहीं, जो क्वालिटी थाईलैंड के प्लेयर्स की है वो ट्रबल करती है इंडियन टीम को। बट यस, रिसेंट हिस्ट्री अगर हम देखें तो थाईलैंड के ऊपर हमने विंस दर्ज करी है, वो भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स में करी है। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपोजर होगा हमारी इंडियन टीम के लिए थाईलैंड में जाके 3 गुड ऑपोजिशंस को खेलना, एंड एक तरीके से ये वार्म अप होगा हमारा मर्डेका कप के लिए भी, क्योंकि इसके बाद हमारा मर्डेका कप होगा। तो बहुत ही एक अच्छा वार्म अप मिलेगा पूरी की पूरी इंडियन लाइनअप को, एंड इगोर सीमैच को भी और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे कौन से लड़के हैं जिनको मैं मर्डेका कप में भी और एशिया कप में भी खिला सकता हूँ। बट यस, अभी टाइम पड़ा है, धीरे धीरे हम इस पर भी बात करेंगे जैसे जैसे आएगा किंग्स कप पास में, तो एनालाइज करेंगे और अच्छे से। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।